हमारे देश की समृद्ध फैशन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए द नेक्स्ट कैटेगरी हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड और इस अवार्ड के विनर हैं जहानवीर सिंह। आप पूरी तरह भारत के पारंपरिक फैशन को आगे बढ़ा रही हैं जिनमें भारतीय साड़ियां भी मौजूद हैं। स्पिरिचुअलिटी भगवत गीता हेरिटेज फैशन पर आप काम करती रही हैं। दैट्स जहानवीर सिंह। नो बाबा प्रधानमंत्री बहुत बहुत बधाई आपको और दुनिया में भारत की चीज क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है और आप बड़ी मदद कर रही है, कुछ सुनाइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति शास्त्र संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति शास्त्र संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए। एक है अब दुनिया में रेडीमेड का जमाना है जी। और मैं मानता हूं कि हमने इस प्रकार किसी को अगर गाइड कर सकते हैं आप जैसे लोग गाइड कर सकते, जैसे अब साफा कोई मानता नहीं, रेडीमेड आता है पहन लेता है, फोटो वोटो निकल जाती है, धोती मानता नहीं कोई, रेडीमेड आता है पहन लेता है। भारतीय जो वेश है उसमें भी साड़ी कठिन काम है पहनना, अगर उस आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं समझता हूं वो जितना ज्यादा प्रमोट होगा दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है, तो उस दिशा में कैसे आप लोगों को इंस्पायर कर सकती है? मुझे लगता है हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल्स हैं और उसको अपने वीडियोस से मैं प्रमोट करती हूँ, उसका पहनावा कैसा है, उसकी बुनाई कैसे की जाती है, टेक्सटाइल कैसा है, तो उसको आगे ले जाने का प्रयास है वीडियोस के माध्यम से ताकि लोगों को पता चले कि हमारे भारत में इतने अलग अलग टेक्सटाइल्स और इतने सुंदर प्रिंट्स वेराइटीज हैं जो हमें देश के सामने लानी चाहिए। और भारत एक सबसे सुंदर देश है और उसकी विरासत उसकी परंपरा संस्कार संस्कृति हर एक चीज बहुत सुंदर है, तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाऊं। देखिए भारत फैशन की दुनिया में लीडर रहा है, बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है या पर्स ऐसे लटकाती बहने। आप अगर कोणार्क जाएंगे सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी हैं उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स है ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहां पर पत्थर तराशने वाले को भी था। यानी भारत की इन विविधताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Z News.